हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा सेल्स टैक्स और वी कैन से दैट वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आपको सेल्स टैक्स के बारे में बच्चों को बताना है, टैक्स के बारे में बच्चों को क्लास में बताना है, पढ़ाना है ये टॉपिक, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं यह आपको इस वीडियो की हेल्प से पता चलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं किसी भी टॉपिक का, तो पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें आप कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। तो अपने लेसन प्लान की फाइल में आप इसी की तरह बेसिक डिटेल फिल करेंगे, और जब क्लास के अंदर जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर वही डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि स्टेज यानी कि क्लास, क्लास कौन सी है, 8th क्लास, बट अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हम उसे स्टेज में लिखते हैं और वो होती है हमारी मिडिल स्टेज। फिर आता है कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। फिर आता है लर्निंग पॉइंट, कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो है सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स। फिर आता है सेशन, सेशन ये थर्ड है, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने वो टॉपिक सभी पढ़ लिए हैं, ये थर्ड कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। फिर आती है डेट, फिर आता है सेशन टाइम। तो ये आपने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल की, उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपके ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। यही होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें हम फॉर्म करते हैं क्लास में जाने से पहले। तो ये कुछ डोमेन्स में होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, कॉग्निशन, स्किल, रिफ्लेक्शन। इस डोमेन्स में हम इन्हें लिखते हैं, और ये मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 3। तो जैसे इन्फॉर्मेटिव में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स। कॉग्निशन में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट देम टू आस्क क्वेश्चंस ओवर सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स। स्किल में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स इन डेली लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर आता है रिफ्लेक्शन, इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल एंड थिंक अबाउट वेयर वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स और वी कैन से दैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये हमने लिख लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, जिनमें आप बताएंगे कि आप कौन सी अप्रोच, कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपकी क्लास इंगेजिंग, इंटरेक्टिंग बने और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनकी लर्निंग अच्छी से अच्छी हो पाए। तो जैसे यहाँ पे अप्रोचेज हम यूज़ कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक, मेटाकोग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव। मेथड्स में यूज़ करें डिस्कशन, एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, एंड टेक्निक्स हमारी हो जाती है क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन इन ग्रुप ऑफ पीयर्स। तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा आता है रियल टाइम प्लान, जो आप क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते हो वो शुरुआत हमारी यहाँ पे हो जाती है। जैसे सबसे पहले होता है इसमें बिल्डिंग कनेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेटर बच्चों के साथ कुछ कनेक्शन बिल्ड करता है, क्योंकि जब भी आप क्लास में जाते हैं आप डायरेक्ट कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मैथ्स में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप पहले थोड़ा सा बच्चों से कनेक्शन बिल्ड करें। तो इसके लिए फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली हेल्थ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इस तरह जनरल उन्होंने पूछा। उसके बाद देन फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट टू रेट देयर डे इन 3 कैटेगरीज, गुड, एवरेज, बैड। देन फैसिलिटेटर इंटरेक्ट देम विद मोटिवेटिंग वर्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि एक वार्म अप एक्टिविटी बच्चों की हो जाती है। फिर यहाँ से अब अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर होता है हमारा डिस्कशन, यहाँ पे आ जाएगा डिस्कशन पॉइंट। तो फैसिलिटेटर कोई भी डिस्कशन पॉइंट रखता है, बच्चे उस पर डिस्कस करते हैं। तो अ डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेटर अबाउट ए न्यूज़ रिपोर्ट वेयर गवर्नमेंट चार्ज टैक्स्ड ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। तो इस तरीके से कोई न्यूज़ रिपोर्ट, कोई क्लिप टीचर लेके गए, वो एज द TLM भी यूज़ हो जाती है, कोई न्यूज़पेपर क्लिप लेके गए जहाँ पे टैक्स लगाया हुआ है, तो बच्चे क्लिप को पढ़ रहे हैं, टैक्स कैसे लगाया जाता है उसको देख रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग को। तो फिर यहाँ पे आ जाता है फैसिलिटेशन पॉइंट। तो आफ्टर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि टैक्स क्यों लिया जाता है या कितना परसेंट लिया जाता है, ये सब बच्चों ने पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने व्यूज़ बताते हैं। देन फैसिलिटेटर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स बाय यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल्स, लाइक सेल्स टैक्स मींस व्हिच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स, इट इज़ कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। दीज डेज प्राइसेज इंक्लूडेड द टैक्स नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। देन फैसिलिटेटर सोल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टैक्स बाय स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सोल्व हुई और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो गई इन फैसिलिटेशन पॉइंट। फिर आता है हमारा एक्सप्रेशंस।
अभी स्टूडेंट क्या फिल कर रहे हैं. तो नाउ स्टूडेंट विल एबल टू सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ गवर्नमेंट अप्लाई टैक्स ऑन सेल्स ऑफ आइटम्स. फिर आ जाता है हमारा रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट हैड टू थिंक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड हाउ दे माइट बी परसीव्ड, कि कैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट को सीखा है, कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्या उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, ये सभी स्टूडेंट सोचते हैं. नाउ स्टूडेंट विल एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया ऑफ सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स. फिर आता है हमारा सेलिब्रेशंस. तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल एंजॉय देयर लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड विल बी मोटिवेटेड टू यू इट एज फर्दर क्वेश्चन. बहुत स्टूडेंट इंजॉय करते हैं अपनी लर्निंग को. जब कोई कॉन्सेप्ट उनकी क्लियरिटी हो जाती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं. उसके बाद वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि आगे और क्वेश्चन हमें मिले जिन्हें हम सोल्व करें कॉन्सेप्ट की हेल्प से, जो भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. उसके बाद आता है इनरिचमेंट. तो इसके अंदर आता है कि हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम. तो यहाँ पे आप उनको कोई असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन या कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट विल बी प्राउड ऑफ देयर स्किल्स. दे लर्न टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेक्स्ट. दे विल रिफ्लेक्ट एंड यूज स्किल इन देयर डेली लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम. आउटसाइड द क्लासरूम भी वो इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. फिर आता है हमारा रोल ऑफ टीचर, कि अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो टीचर का क्या रोल है क्लास में. तो उनका रोल होता है फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस, ऑब्जर्विंग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, उन्हें कंटिन्यू ऑब्जर्व करना, उनकी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना. एंड रोल ऑफ स्टूडेंट लर्नर की बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्री एंड गाइडेड डिस्कशन. तो ये रोल हो जाते हैं एक स्टूडेंट के, एक लर्नर के. फिर आ जाता है टीचर्स रिमार्क. और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू बी एड, डी एल एड, प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.